दुनिया बदल रही है, महिलाओं विकास कर रही है। 8 मार्च के दिन पूरी दुनिया के अंदर महिलाओं के नाम से याद किया जाता है, संघर्ष के रूप में याद किया जाता है। अब हम लोग 25,000 रुपया वेतन एवं 14 त्रिमाह को लेकर आगे मेरा लड़ाई करने का आह्वान कर रहे हैं, संघर्ष करने का ऐलान कर रहे हैं। 13 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, प्रधान सचिव, कार्यपालन निदेशक से मिलकर ज्ञापन सौंपेंगे और जब तक मेरा मांग पूरा नहीं हो जाता है संघर्ष जारी रहेगा। इसके बाद 18 मार्च को दरभंगा को जाम करेंगे। मेरा जुलूस केदार होने से 11 बजे निकलेगा। सभी जिला के आशा स्टेटस से निवेदन है कि आप लोग अपने आशा को बैठक करें, गुलबंद करें और जो आचार संहिता 25 मार्च तक लग सकता है हम जो है आखिरी दम तक लड़ेंगे। लेकिन अफसोस है कि मैं जो लड़ाई लगातार लड़ रहे 15 फरवरी को, 16 फरवरी को, 5 फरवरी को पटना के कार्यक्रम किया गया, 4 मार्च को दरभंगा जाम करने की कोशिश की गई, बाद में मुद्दा पार्क पर सभा की गई। हमारी कोशिश जारी है, हमारी मांग पूरा होने तक यह लड़ाई आपका है। लेकिन आशा बहन आप लोग नहीं समझ पा रहे, आप लोग की चेतना, आप लोग के दिमाग में चिंगारी, आप लोग के शरीर में खून नहीं है, पानी है, ललकारते हैं कि आप अपने जीवन को बदलने के लिए, भविष्य को तय करने के लिए, बच्चे के पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करने के लिए आप लोग इस लड़ाई को आगे लड़ लेते हैं। और जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, मांग पूरा हो जाता है ताकि बच्चे और परिवार का भविष्य सुनिश्चित हो जाएगी, उसका भविष्य सुनहरा अवसर दिखाई पड़ेगा। इसलिए लड़ाई आपका है, बार बार समझा रहे हैं, आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए सभी आशा फैसिलिटेटर, वैक्सीन कॉरियर, ममता बहनो से मेरा अपील है कि 18 मार्च को 92,000 में से पूरी 92,000 पटना आने का प्रयास करें, 10,000 स्वास्थ्य वैक्सीन कॉरियर आने का प्रयास करें, 10,000 ममता, 5,000 फैसिलिटेटर, सभी लोग घर पर नहीं, अपने ही नहीं अपने परिवार को भी लाने की कोशिश करें। ये लड़ाई आखिरी है, आर पार की लड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मेरा अपील है कि सबको आप कर दिए आशा और फैसिलिटेटर, वैक्सीन कोरियर ममता को 25,000 रुपया वेतन करें और 24 का लोकसभा का चुनाव है, जब तक मांग मेरा पूरा नहीं हो जाता है तो आपके लोकसभा चुनाव में हम सबक सिखाएंगे। इसलिए अगर चाहते हैं लोकसभा चुनाव में आपको अमल करने के लिए तो कटिबद्ध हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी आशा और फैसिलिटेटर, वैक्सीन कोरियर ममता की मांग को पूरा करें। इसीलिए सभी आशा बहनों, आशा फैसिलिटेटर से और वैक्सीन कोरियर ममता से निवेदन है कि आप लोग 18 मार्च को जो दरभंगा जाम करने का निर्णय लिए हैं उसको सफलता बनाने में सभी लोग लग जाएं, जी जान से लग जाएं, सहयोग करें, सपोर्ट करें। ये लड़ाई आपका है, लेकिन आपके तरफ से तन मन धन से सहयोग नहीं मिल रहा है। सभी जिला से मेरा निवेदन है, सभी प्रखंड से निवेदन है, 800 जिला से, सभी प्रखंड से, पर 334 प्रखंड से निवेदन है कि आप लोग 18 मार्च को कहीं न रहें, सारा काम छोड़ के पटना आने का प्रयास करें। सभी लोग अगर ये लड़ाई को हमने सफलतापूर्वक जीत जाते हैं तो पूरे बिहार का नहीं पूरे देश का इतिहास बनेगा कि आशा लड़ के लिए है, फैसिलिटेटर लड़ के लिए, वैक्सीन कोरियर और ममता लड़ के लिए है और अपने प्रखंड में सदस्यता शुल्क और कोष संग्रह करने का प्रयास करें और आज केंद्र को भेजने का काम करें जो आप लोग नहीं सहयोग करते हैं। और मान सम्मान अगर लेना है तो लड़ना सीखिए, लड़िए, लड़ते हुए भूखे काहे मरवा, लड़के मर जा। इसीलिए सभी
से मेरा निवेदन है, आशा से, आशा प्रोजेक्टर वैक्सीन कोरियर ममता से, खासकर वैक्सीन कोरियर लोगों से मेरा अपील है कि आप लोग अपने जिला के अंदर में आशा और फैसिलिटेटर ममता से मिलें, बोलबंद करें और दूर वाले लोग 17 मार्च के शाम को पटना के लिए प्रस्थान करें, सभी ट्रेन में भर के आवें, सभी जगह से आवें। पटना जिला के तमाम प्रखंड से मेरा निवेदन है कि आप लोग सभी प्रखंड से 18 मार्च को 10 बजे अमरनाथ रोड अदालतगंज किदार में पहुँचने का कष्ट करेंगे। वैशाली जिला, भोजपुर जिला, बक्सर जिला, लखीसराय जिला, बेगूसराय जिला, बेतिया जिला, मोतिहारी जिला, जहानाबाद, गया, नवादा, शेखपुरा, औरंगाबाद, सासाराम, सभी जिला से सिवान, गोपालगंज, सीतामढ़ी, भागलपुर, बांका, सभी जिला से मेरा निवेदन है, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया कि आप लोग समझे बात को और जैसे सुने इस एडियो को अधिक से अधिक ग्रुप में डालें और बैठक करें, फोन से बात करें, सबको गोलबंद करें और 18 मार्च के जो टकमंगला घेराव है ये जय लड़ाई आपका भविष्य के आखिरी लड़ाई है। हमने जो है 4 मार्च को भी घेरे थे, काफ़ी लोग जुटे थे, 10,000 की संख्या में आशा और फैसिलिटेटर जुटी थी, वैक्सीन कोरिया और ममता आए थे। फिर जो है पुनः आप लोग से अपील करते हैं, महाशिवरात्रि का दिन है, आपका दिन है, इसलिए 13 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री सोमनाथ चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री से, कार्यपालन निदेशक, प्रधान सचिव से मिलकर ज्ञापन देंगे और आंदोलन की सूचना करेंगे। इसलिए आज से कल तक सभी लोग फोन पर बात करें, कल केसरिया जाएंगे, मोतिहारी जिला के केसरिया में प्रखंड करेंगे, बैठक करेंगे, केसरिया 11, 12, 13 लगातार बैठक होगी, सभी जिला और प्रखंड से मेरा निवेदन है कि आप बैठक करके आज शाम को मुझे फोन पर बतलाने के काम करें। पटना जिला के विक्रम, जुलिन बिहार, पालीगंज, जय मनई, बेटा, बार, मकामा, घोसवरी, दनियामा, धनरवा, मसौरी, सभी लोगों से, फतुआ, खुसरूपुर, सभी से मैं, पटना सदर, सभी भंडारक कि आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं और यह नहीं समझने के कारण जहानाबाद के सभी प्रखंड जो है सभी लोग से मेरा निवेदन है राज्य के तमाम जिला से कि आप लोग पटना के लिए 18 मार्च को कुछ करें, दूर वाले साथी 17 मार्च को पटना के लिए कुछ करें, शाम को पटना के लिए आने का कष्ट करेंगे। सभी आशा और बहनों, आशा फैसिलिटेटर बहनों, वैक्सीन कोरियर ममता बहनों, 18 मार्च को डकोंगला जाम को सफल करने में सहयोग करें। सभी लोग पूरी संख्या के साथ पटना आए, आप लोग की संख्या नहीं जुट पाती है, संख्या चुनाव के वक्त में, संख्या कलयुग में संख्या का ही महत्व है, इसलिए आइए 92,000 के 92,000 आशा पटना पहुँचे, सभी फैसिलिटेटर और वैक्सीन कोरियर ममता पटना, ममता लोग नहीं आ पाती है और सभी आशा फैसिलिटेटर ममता को समझाने के काम करें, क्योंकि लड़ाई सरकार ने धोखा दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने झूठा आश्वासन देकर आशा के भविष्य को चौपट किया, उस संगठन के लोग ये मौखिक पर बात करके हड़ताल को तोड़ दिए और जो है गंभीरता से नहीं लिए, नहीं तो आज मांग पूरा हो जाता। इसलिए सभी आशा बहनों, आशा फैसिलिटेटर बहनों, वैक्सीन को खासकर आप लोग सभी जिला के वैक्सीन को से मेरा अपील है कि आप लोग सहयोग राशि नहीं भेजते हैं, सहयोग राशि आप लोग का देना चाहिए, लड़ाई में बहुत खर्च होती है, काफ़ी जो है लगातार ढंग से लड़ रहे हैं, ले आपका योगदान सहयोग राशि शासन को जो प्रत्येक वैक्सीन को साल में 300 रुपया लगता है, जो इस बार 4 मार्च को भी आए और गए, कैसे लड़ाई होगी, कैसे आपका मांग पूरा होगा, इसलिए सभी वैक्सीन कोरियर सहयोग राशि भेजें और मुझे फोन पर संपर्क करें और गूगल नंबर भेजने का कष्ट करें। ममता बहन आप भी बात करें, सभी आशा और फैसिलिटेटर
कि जिलाध्यक्ष प्रखंड का जिलाध्यक्ष और सचिव से मेरा निवेदन है कि आप लोग का मर्दांगनी, आप लोग का झांसी की रानी का रूप दुर्गा बन के पटना के सड़कों पर आइए और सरकार को झुकाइए। माननीय मुख्यमंत्री को चलने मत दीजिए। स्वास्थ्य मंत्री जय सम्राट चौधरी को मजबूर करें, इसलिए आइए 18 मार्च को पटना के धरती पर फिर एक बार उतर के अपने कार्य का रूप दिखलाए। दुनिया गवाह है, जो महिला अंग्राय ली है जीत हुई है, इस बार भी आपकी जीत होगी। सभी आशा बहनों, आशा फैसिलिटेटर, आप लोग 18 मार्च को पटना आने का कष्ट करें। वैक्सीन कोरियर खासकर सभी जिला से सही प्रखंड झंडा और बैनर के साथ आए। ममता बहनों, आप लोग से मेरा अपील है कि सभी लोग 18 मार्च को पटना आए। 13 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, प्रधान सचिव कार्यपालन निदेशक से मिलेंगे और 10 मार्च को केसरिया जाएंगे। केसरिया से मोतिहारी का आंदोलन का प्रतीक रहा है। गांधी जी चंपारण गए थे जहाँ से किसान आंदोलन की शुरुआत किए थे, इसलिए 10 तारीख को कल केसरिया जाएंगे। सभी लोगों से मेरा अपील है कि आप लोग लड़ाई में सहयोग करें और सभी आशा और फैसिलिटेटर से मेरा निवेदन है कि सदस्यता शुल्क आंदोलन को 320 रुपया जो लगता है वो सहयोग करें, इसमें देर मत करें। नेतृत्व के साथियों से मेरा अपील है कि आप लोग भी सहयोग नहीं कर पा रहे, पूरी संख्या के साथ आने का प्रयास करें। बेगूसराय के लखीसराय जमुई जिला सभी से मेरा निवेदन है कि आप लोग पटना के सड़कों पर मार्च करें। 18 मार्च को सभी जिला का बैनर होना चाहिए, सभी प्रखंड का बैनर होना चाहिए, झंडा होना चाहिए, पूरी सजावट के साथ पुनः एक बार 18 मार्च को डकमंगला को जाम करके लड़ाई को जीत कर आगे बढ़ें। सभी लोगों से मेरा अपील है कि आप आए और सफल बनाने में सहयोग करें, हर तरह से सहयोग करें और मुझसे संपर्क बनाए, शाम को फोन करें। सभी प्रखंड से मेरा निवेदन है, सभी जिला से निवेदन है, लगातार हमें लड़ रहे हैं, हम हार नहीं मान रहे हैं, ले आपका सहयोग मिलना चाहिए जो नहीं मिल पा रहा है, ये बहुत दुखद घटना है, बहुत दुख है। सहयोग के लिए आपसे अपेक्षा है, विश्वास है कि आपका साथ मिलेगा। लड़ाई मेरा नहीं, आपका लड़ाई है। होली का समय आ गया। हाँ, एक और कहना था, स्वास्थ्य मंत्री ने आदेश प्रधान कार्यपालक से जो बकाया पैसा है भुगतान करने का आदेश हो गया। ये मेरे लड़ाई की वजह से जीत हुई है। जो बकाया पैसा जो पत्र जारी हुआ है ये बिहार आशा संघ के लड़ाई के वजह से मिल रहा है, इसलिए एक कदम बढ़ा है, बकाया पैसा का भुगतान करने का आदेश हुआ है। ये लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं जिसकी वजह से हुआ है और वेतन जो 25,000 रुपया 14 दिन मांग को लेकर संघर्ष जारी रहेगा, जब तक मांग पूरा नहीं हो जाता है मेरा संघर्ष जारी रहेगा। सभी लोगों से मेरा अपील है कि 18 मार्च को पटना है, 17 मार्च के शाम को पटना के लिए चलें। 18 मार्च को 11 बजे अमरनाथ रोड डकमंगला ग्राउंड पहुंचने का कष्ट करें। संघ के महासचिव कौशल कुमार वर्मा।